ब्रह्मा कुमारीज पंजाब बरनाला सेवा केंद्र पर विशेष रूप से कृष्ण के जीवन की लीलाओं को अपनी कला से प्रदर्शित किया। इस मौके पर आर्किटेक्ट नवीन बंसल जी उपस्थित रहे, जिनका सेवा केंद्र प्रभारी बीके ब्रिज बहन ने स्वागत किया। साथ ही बीके सुदर्शन बहन और बीके पुष्प बहन भी मौजूद रहे। बीके ब्रिज बहन ने 16 कला संपूर्ण कृष्ण के एक एक गुण को विस्तार से भी समझाया। हरियाणा के बहल में जन्माष्टमी पर्व पर कृष्ण भक्तों ने भारत की प्राचीन देव संस्कृति से ओतप्रोत नृत्य नाटिका महाराज मयूर नृत्य का मंत्रमुग्ध होकर आनंद लिया। इस अवसर पर सरपंच साधुराम पनिहार, पुलिस शाखा के एंटी वेल थेफ्ट इंस्पेक्टर श्री भगवान यादव के साथ बीके शकुंतला बहन, बीके मीनू बहन व अन्य बीके भाई बहने मौजूद रहे। पंजाब जालंधर ग्रीन पार्क सेवा केंद्र में जन्माष्टमी के अवसर पर हजारों की संख्या में भाई बहने उपस्थित रहे, जिसमें चैतन्य राधे कृष्ण के माध्यम से बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें मुख्य अतिथि देवी तालाब मंदिर के सेक्रेटरी राजेश विज का सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा बहन ने स्वागत किया। जयपुर के दुर्गापुर में माधोनगर सेवा केंद्र संचालिका बीके सनुसैया बहन के सानिध्य में बालाजी मंदिर के पास श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बाल कृष्ण नाटिका, भजन, गीतमाला सहित गरबा रास एवं नृत्य संगीत से सभी को मनमोहित कर दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष वैश्य समाज सुरेश पाटोदिया, पार्षद श्री जयविष्ट, इंडियन ऑयल मैनेजर श्री मनीष, एक्टर निखिल एवं ब्रह्म कुमारी बहनों ने दीप प्रज्वलन कर राधे कृष्ण तथा लक्ष्मी नारायण की आरती भी की। ब्रह्म कुमारी इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी ने जन्माष्टमी के आध्यात्मिक महत्व से सभी को अवगत कराया और श्री कृष्ण के समान 16 कला संपन्न बनने के लिए विशेष प्रेरणाएं दी। गुजरात सूरत के कतारगाम सेवा केंद्र में बीके शारदा दीदी द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अतिथियों के शुभ हाथों से दीप प्रज्वलन एवं आरती की गई और सभी कृष्ण भक्ति के रंग में रंग गए। दिल्ली के पटेल नगर सेवा केंद्र पर भी सभी ने बहुत उमंग से जन्माष्टमी मनाई और साथ ही रास भी किया। पुणे के ससाणे नगर सेंटर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी और दही हांडी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी भाई बहनों ने बड़े ही उमंग से भाग लिया और स्मिता दीदी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व बताया। साथ में सभी ने संकल्प भी किया कि श्री कृष्ण के गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे। मध्य प्रदेश बुरहानपुर सटाना में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सेवा केंद्र पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लक्ष्मी नारायण की झांकी और बाल कृष्ण की झांकी तथा जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य बीके अंजू और लता बहन के द्वारा बताया गया। साथ ही दही हांडी का भी कार्यक्रम रखा गया। हाथरस के बलदेव नगर सेवा केंद्र पर जन्माष्टमी का पर्व सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा दीदी की उपस्थिति में हर्षोल्लास से मनाया गया।
Thank you.